हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स कंपोजिशन, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, क्या क्या चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, साथ ही करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप लॉग इन करके इसे फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का जो भी इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लो होता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में अंदर आता है या हमारी कंट्री से बाहर जाता है, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं। उस सबका रिकॉर्ड जो होता है वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो तीन तरह के जो मदे हैं, तीन तरह के जो आइटम्स हैं उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहला है विजिबल आइटम्स। तो देखिए दो जो चीजें हैं, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम्स। एक और टर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनविजिबल आइटम्स को भी इंक्लूड किया जाता है विजिबल आइटम्स के साथ साथ, और साथ ही साथ कैपिटल ट्रांसफर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो विजिबल आइटम्स यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, जिन भी चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जिसका कि पूरा लेखा जोखा हमारे बंदरगाहों पर या हमारे पोर्ट्स पर रहता है, वो होते हैं विजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज को। तो हमारे यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे यहाँ की जो ब्रेन पावर है, तो अगर यहाँ हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स या कोई दूसरे प्रोफेशनल्स किसी दूसरी कंट्री में जाकर अगर अपनी सर्विसेज देते हैं, उसके बदले हमें वापस रिटर्न में कैपिटल मिलता है, रिटर्न में हमें पैसा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, तो वो हमारे होंगे इनविजिबल आइटम। साथ ही साथ ये चीज मैं क्लियर कर दूं, चूंकि कई काम आजकल ऑनलाइन भी पूरे हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो प्रोफेशनल्स हैं वो उस कंट्री में जाकर ही अपनी सर्विसेज दें। यहाँ से ऑनलाइन अगर कोई सर्विसेज दी जाती हैं हमारे यहाँ के नेशनल्स के द्वारा, हमारे यहाँ के नागरिकों द्वारा, तो वो भी इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरी कंट्री के प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेते हैं हमारी कंट्री के लिए और उसके बदले में उन्हें कुछ पे करते हैं, तो वो इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज होंगी और वो इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूड होंगी। इसके साथ एक और इनविजिबल आइटम होता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि ये जो भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक तरफा जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कुछ भी गिफ्ट देता है, कुछ रॉयल्टी देता है या कोई इंटरेस्ट पेमेंट करता है, कोई डोनेशन देता है, जैसे कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसको कुछ डोनेशन दिया जाता है या किसी और वजह से कोई गिफ्ट दिया जाता है, तो ये जो सारे पेमेंट्स होते हैं वो भी इनविजिबल आइटम्स में इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो तीनों चीजें हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये सब तीनों चीजें मिलके हम बनाती है करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट। अब दूसरा हम देखते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल ट्रांसफर्स में कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है और ये हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन चीजें हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो जो कैपिटल ट्रांसफर है उससे बनता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और जो विजिबल और इनविजिबल आइटम्स हैं उनसे बनता है करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो चीजें हैं, ये और ये तीनों मिलके क्या बनेगा? हमारा करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट्स है उससे बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिकॉर्ड होता है उसके। अब थोड़ा सा जिनको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो सारा हमारे करंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट में
किया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट में किया जाता है। साथ ही साथ जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब जो कि एक तरफा जितने भी ट्रांसफर्स होते हैं, जो किसी गिफ्ट के बदले में या गिफ्ट के रूप में, रॉयल्टी के रूप में या कोई डोनेशन के रूप में किसी दूसरी कंट्री को दिए जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री से लिए जाते हैं, तो वो भी उसका जो रिकॉर्ड है उसका रिकॉर्ड भी करंट अकाउंट में ही रखा जाता है। तो देखिए क्या हुआ, मेनली यहाँ पर तीन जो है तीन चीजें हुई। एक तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी हम वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो हो गई हमारी, जो भी वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं वो हमारा इंक्लूडेड होता है करंट अकाउंट में। साथ ही साथ क्या इंक्लूडेड होता है, जो भी हम सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तीन चीजें हैं, इंपोर्ट ऑफ एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर सच एज गिफ्ट डोनेशन एटसेट्रा। ये तीनों मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट। ठीक है, अब अगर जो भी गुड्स हैं अगर वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती है यानी कि हमारी जो कंट्री है वहां से बाहर भेजी जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है हमारी कंट्री से बाहर भेजी जाती है, तो हम कोई भी चीज अगर हमारी कंट्री से बाहर बेचेंगे तो वहां से जो पैसा है वो हमारी कंट्री में आएगा। दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स इनफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव आइटम है। ठीक है, प्लस होगा फॉरेन एक्सचेंज में, ये इतना अमाउंट जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आइटम है। अगर जो गुड्स है उसका इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है मतलब अगर हम बाहर की चीजें हम खरीदते हैं, बाहर की चीजें अपनी कंट्री में मंगाते हैं, खरीदते हैं, तो उसके बदले हमें पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये होगा आउटफ्लो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का या करेंसी का जो है आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो है यानी कि यहां से पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो ये होगा नेगेटिव आइटम। ठीक है, ये पॉजिटिव आइटम होगा, ये नेगेटिव आइटम होगा। और उसके बाद इसी तरह सर्विसेज अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि हमारे यहाँ के लोग दूसरे कंट्रीज में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे डॉक्टर है या कोई दूसरे कोई भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर दूसरी कंट्री में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, दैट मीन्स सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से वो पैसा कमा कर क्या होगा, हमारी कंट्री में भेजेंगे, हमारी कंट्री में भेजेंगे यानी कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आएगा, तो इसका क्या मतलब है, ये होगा हमारा पॉजिटिव आइटम, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ऐड होगा। उसके बाद अगर सर्विसेज इंपोर्ट की जाती हैं, यानी कि हम बाहर के लोगों की सर्विसेज ले रहे हैं अपने किसी काम के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, हमें पेमेंट देना पड़ेगा उन लोगों को जिनकी भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, करेंसी का या फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। दैट मीन्स ये क्या है, ये होगा हमारा नेगेटिव आइटम। ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करें, ट्रांसफर रिसिप्ट से हमको कहीं से कुछ मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है या गिफ्ट मिल रहा है या कोई इंटरेस्ट पेमेंट हमको मिल रहा है, तो दैट मीन्स करेंसी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो का क्या मतलब है, ये पॉजिटिव आइटम होगा। और अगर ट्रांसफर पेमेंट्स दिए जा रहे हैं, हम किसी और को कोई सहायता दे रहे हैं, कोई डोनेशन दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज का जो है आउटफ्लो हो रहा है और ये जो है वो नेगेटिव आइटम होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया आपको कौन सी चीज इनफ्लो में आएगी, कौन सी आउटफ्लो में आएगी, यानी कौन सी पॉजिटिव में जाएगी, कौन सी नेगेटिव में जाएगी। अब जब हम हमारा जो टोटल इनफ्लो है, ठीक है, यानी कि टोटल इनफ्लो यानी ये प्लस दिस एंड प्लस दिस, ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये जो है ये बनेगा हमारा टोटल इनफ्लो। अगर ज्यादा है टोटल आउटफ्लो से, ठीक है, टोटल आउटफ्लो ये एंड ये तीनों को मिलाएंगे, तो ये टोटल आउटफ्लो से अगर ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, यानी कि हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज है आ ज्यादा रहा है, बाहर कम जा रहा है, तो करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस है। करंट अकाउंट क्या है, सरप्लस है। अगर टोटल इनफ्लो जो है वो इक्वल है टोटल आउटफ्लो के, तो दैट मीन्स करंट अकाउंट जो है बैलेंस में है।
अगर टोटल इनफ्लो जो है वो कम है टोटल आउटफ्लो से, ठीक है, इस केस में तो देखिए जितना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है उतना का उतना बाहर जा रहा है, ठीक है, तो करंट अकाउंट है बैलेंस में, कोई ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो है इनफ्लो तो कम है लेकिन आउटफ्लो ज्यादा है, कंट्री में आ तो कम रहा है लेकिन बाहर ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है, करंट अकाउंट जो है वो घाटे में है, ठीक है। तो ये करंट अकाउंट उम्मीद आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं और कैसे ये सरप्लस में होता है, कैसे बैलेंस में होता है, कैसे डेफिसिट में होता है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बात करते हैं एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो एफडीआई क्या होता है, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में या किसी फॉरेन कंट्री के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पे कंट्रोल रहता है, तो वो जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। कि जैसे सपोज कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज स्केट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और हम जो है वहां पर उसके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी फैक्ट्री बनाने में या किसी और चीज में, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उस केस में क्या होता है, हम जहां पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर जो है वो हमारी कंट्री में आता है, तो दैट मीन्स इनफ्लो होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज का जो है इनफ्लो होता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव आइटम है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें एफडीआई में, तो जो है ये विद कंट्रोल होता है एंड जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, यानी एफडीआई में कुछ रूल्स जो है अपने वो अप्लाई हो सकते हैं कि आपको किसी जो डोमेस्टिक फॉर्म है उसकी कोलेब्रेशन के साथ ही आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर जो परसेंटेज है अपने प्रॉफिट का वो ही आप अपनी कंट्री में ले जा सकते हैं, या फिर आपको उस पर कुछ टैक्स देना होता है, इस तरीके कई तरह के कंट्रोल होते हैं। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो विदाउट कंट्रोल होता है, तो वो भी चीज तो वही है कि जब हम फॉरेन कंट्री के एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये जो दोनों है वो है इनफ्लो होता है, इसमें एक्सचेंज का इनफ्लो होता है, तो ये पॉजिटिव आइटम है। अब एक दूसरी चीज हम देखें, बैंक कैपिटल या कैपिटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, बैंक कैपिटल या कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो भी हमारे एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स या लायबिलिटीज होती हैं कमर्शियल बैंक्स की या कॉर्पोरेटिव बैंक्स की, वो जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक ऑथराइज डीलर की तरह जब ऑपरेट करते हैं, यानी कि पैसे को फॉरेन एक्सचेंज को जो एक्सचेंज कराते हैं, डॉलर को पाउंड में, रुपीस को डॉलर में, इस तरह से जो एक्सचेंज कराते हैं, कमीशन लेते हैं, तो वो सारा जो है कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है। तो एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल एसेट्स है और लाइबिलिटीज हैं कमर्शियल बैंक और कॉपरेटिव बैंक की, जो कि ऑथराइज डीलर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में हम इंक्लूड करते हैं। ये साथ ही साथ एक और चीज है, लोन एंड बोरोइंग्स, जो उधार हम देते हैं और जो भी हम लेते हैं, तो वो भी कैपिटल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई किसी चीज में क्या तो कमर्शियल बोरिंग्स लेते हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, या फिर किसी चीज में हम मदद के हिसाब से लोन लेते हैं या देते हैं, तो जहां पर इंटरेस्ट रेट जो कि है कम होता है, तो चूंकि इंटरेस्ट रेट हमें मिल रही है, दैट मीन्स क्या है, ये है इनफ्लो है, ठीक है, हम किसी को लोन दे रहे हैं या कमर्शियल बोरिंग से इनफ्लो हो रहा है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये जो है पॉजिटिव आइटम में इंक्लूड होता है, दोनों ही पॉजिटिव आइटम है, इनफ्लो हो रहा है। लेकिन लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो एफडीआई है या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई डेप क्रिएट नहीं होता है, लेकिन जो लोन्स एंड बोरोइंग्स से उसे डेप क्रिएट होता है, क्योंकि हम जो भी अमाउंट लेते हैं हमें वो ब्याज सहित वापस चुकाना होता है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक डेप क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो एफडीआई है वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस हमको चुकाना है, राइट। तो इस तरह से ये तीनों चीजें जो है वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, गवर्नमेंट लोन्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, नेट इनकम ट्रांसफर्स, बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक और क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन विच अकाउंट, बैलेंस ऑफ
अकाउंट में जो ट्रांसफर पेमेंट होते हैं वो किस अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, सर्विस अकाउंट में, करंट अकाउंट में या ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में? तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, देखते हैं किसे कितनों को ये कंसेप्ट समझ में आया है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, इसकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हम किन चीजों को रखते हैं और डेबिट साइड में किन चीजों को रखते हैं? तो क्रेडिट साइड में जो है वो है हमारे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, चीजों का हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा जो है हमारी कंट्री में क्या होगा, इनफ्लो होगा। क्रेडिट साइड में हम वही चीजें रखते हैं जहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इनफ्लो होती है, ठीक है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। डेबिट साइड में जब आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, इफ देयर इज आउटफ्लो तो उसको हम डेबिट साइड में रखेंगे। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो भी होगा, गुड्स का एक्सपोर्ट है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसिप्ट्स, जो हम यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसिप्ट्स जो है, पेमेंट्स नहीं, रिसिप्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे। जो भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है या कोई रॉयल्टी मिलती है, ये सारी चीजें यूनिलैटरल ट्रांसफर पेमेंट्स में आएगी। साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हम, जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट होती है, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये जो है ये क्रेडिट में इंक्लूड होगा, डेबिट में इसके अपोजिट, जहां हम क्रेडिट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रखते हैं, डेबिट में होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स, साथ ही साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और यूनिलेटरल जो ट्रांसफर रिसिप्ट था हमारा क्रेडिट में, पेमेंट हमारा जाएगा डेबिट में, साथ ही साथ कैपिटल पेमेंट्स जो कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो ब्लू लाइन के ऊपर है, ये जो सारी चीजें हैं ये ऑटोनोमस आइटम्स हैं, ठीक है। एक जो नेचुरल है, जो इंपोर्ट होना है, जहां जितनी डिमांड है उस हिसाब से इंपोर्ट होगा, जितनी डिमांड है उस हिसाब से एक्सपोर्ट होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स ये सारे जो है ऑटोनॉमस होते हैं, अपने आप अपनी प्रक्रिया के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से होते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ और जो आइटम है जो कि अकोमोडेट होते हैं, ठीक है, अकोमोडेट किए जाते हैं। तो अकोमोडेट आइटम्स कौन से होते हैं? एक तो होता है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, इंजेक्शंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स का जो इंजेक्ट किए जाते हैं, बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो उधार लिए जाते हैं। तो देखिए पहले वाली ये तो क्रेडिट साइड थे, अब डेबिट साइड की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो भी उधार लिया जाता है, और साथ ही साथ विड्रॉल ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व कौन से होते हैं? ऑफिशियल रिजर्व में इंक्लूड होता है हमारा गोल्ड रिजर्व होता है, हमारा SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होते हैं वो होता है, जो कि आपने IMF में पढ़ा होगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स कौन से होते हैं जब। और उसके बाद एक और चीज होती है जो कि होती है हमारी ट्रेडेबल, ट्रेडेबल फॉरेन करेंसी, ठीक है, ट्रेडेबल फॉरेन करेंसी जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। अभी थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको नहीं समझ में आया डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन से होते हैं जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं और कौन से जो होती हैं अकोमोडेटेड आइटम्स होते हैं। तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक और चांस है ये। तो देखिए मैंने जैसे पहले बताया था कि हाँ यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑटोनोमस आइटम और अकोमोडेटिंग आइटम दोनों चीज, उसमें क्या होता है, ऑटोनोमस आइटम्स वो होते हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, प्रॉफिट के लिए होने वाले सारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री का प्रॉफिट होता है, चाहे इंपोर्ट करने वाले का या एक्सपोर्ट करने वाले का, या लेने वाले का या देने वाले का। तो जो भी प्रॉफिट के लिए ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं। और अकोमोडेटिंग पेमेंट्स कौन से होते हैं? जो कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस में, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस में जो भी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं वो अकोमोडेटिंग या बिलो द लाइन आइटम्स जो है वो अकोमोडेटिंग ट्रांसफर्स जो होते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं। ये जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं।
तो यानी कि जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस, अगर इंपोर्ट जो है हमारे ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, अगर ऑटोनॉमस में मैं सोचूं कि सिर्फ हमारे यहाँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का ही, सर्विसेज अभी के लिए नहीं है, समझने के लिए उसको ऐसे समझते हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। तो अगर हमारे जो है इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आउटफ्लो ज्यादा है, डेफिसिट हो रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो उस डेफिसिट को कम करने के लिए, डेफिसिट को हम कहाँ से कम करेंगे, हम क्या करेंगे, आईएमएफ से कुछ बोरो करेंगे, ठीक है, या जो हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उसको हम छोड़ेंगे। तो ये जो है उस डेफिसिट को कम करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, उसको कम करना, उसको खत्म करना, उसको पाटना भी बहुत जरूरी होगा, नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम होता जाएगा और किस तरह हमारा काम चलेगा। तो उसको पाटने के लिए जो है, अगर हम आईएमएफ से कुछ कर्जा ले लें, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम हो रहा है क्योंकि जो है इनफ्लो वो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है, तो फॉरेन एक्सचेंज, तो आईएमएफ से अगर हम कर्जा ले लें तो वो क्या है, जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट था वो तो ऑटोनॉमस था, उसमें एक डिसइक्विलिब्रियम था, लेकिन उस डिसइक्विलिब्रियम को खत्म करने के लिए हमको आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ा, तो वो क्या हुआ, वो हमारा अकोमोडेटिंग आइटम हुआ। यानी कि अगर ऑटोनॉमस जो रिसिप्ट है वो हमारी कम है, ठीक है, और ऑटोनॉमस पेमेंट्स जो है वो ज्यादा है, ऑटोनॉमस रिसिप्ट जो है हमारी कम है और ऑटोनॉमस पेमेंट्स जो है वो ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो इस केस में क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जो हमारी ऑटोनॉमस रिसिप्ट है उसका क्या मतलब है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो, और जो पेमेंट है उसका मतलब है आउटफ्लो। तो आउटफ्लो अगर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, इनफ्लो कम है, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डिसइक्विलिब्रियम होगा, और डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा उसमें, वो डेफिसिट होगा, ठीक है, घाटा होगा, क्योंकि जो आउटफ्लो है वो कम, आउटफ्लो जो है वो ज्यादा है इनफ्लो के मुकाबले, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा होगा। दूसरी एक कंडीशन होती है, अगर जो रिसिप्ट्स हैं वो ज्यादा हैं और जो पेमेंट्स हैं वो कम हैं, रिसिप्ट ज्यादा है पेमेंट्स कम है, तो इसका मतलब भी यही है कि डिसइक्विलिब्रियम है, लेकिन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा सरप्लस में है, हमको फायदा हो रहा है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा है, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है। तो इस इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, जैसे ही अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट क्या मतलब क्या होगा, अकोमोडेटिंग जो आइटम्स हैं उसको उसमें डिक्रीज करेंगे, अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम डिक्रीज करेंगे, और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सरप्लस है तो अकोमोडेटिंग आइटम को हम इंक्रीज करेंगे, और फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाना होगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये सारी क्या चीजें हैं। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब इक्विलिब्रियम में होगा, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल्स टू इट्स सप्लाई, या डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इज ग्रेटर देन इट्स सप्लाई, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी इज ग्रेटर देन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, या फिर नन ऑफ द अबव, एज बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में। आगे की और चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आइटम्स रहते हैं उसको समझते हैं। अगर देखिए, एक तरफ अगर मैंने लिखा है ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होगा, करंट अकाउंट है एक तरफ और कैपिटल अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में सरप्लस है तो क्या होगा, टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें हमारा सरप्लस होगा। अगर दोनों में डेफिसिट है, दोनों में ही घाटा हो रहा है, तो दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हमारा घाटा ही होगा। उसके बाद अगर बैलेंस करंट अकाउंट में तो हमारा सरप्लस चल रहा है, करंट अकाउंट यानी कि जिसमें हम तीन चीजें शामिल करते हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, एंड तीसरा क्या था, हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर करंट अकाउंट जो है उसमें हमारा सरप्लस है और कैपिटल अकाउंट में हमारा डेफिसिट है, तो इस केस में अगर सरप्लस डेफिसिट से ज्यादा है तब तो सरप्लस होगा, ठीक है, अगर जो हमारा सरप्लस है वो डेफिसिट से ज्यादा है तो सरप्लस होगा, और अगर करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सरप्लस है, तो जो सरप्लस है अगर डेफिसिट से कम हुआ तो क्या होगा, हमारा
डेफिसिट होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पे और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। दो चीजों पे डिपेंड करता है, करंट अकाउंट के बैलेंस पे और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। अब थोड़ा सा देखते हैं ओवरऑल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में अकाउंटिंग सेंस में और ऑपरेशनल सेंस में क्या चीजें हैं। तो अकाउंटिंग सेंस में जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर डेफिसिट है या अगर सरप्लस है, अगर करंट अकाउंट में, तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाता है, चाहे जो भी है, चाहे डेफिसिट है या चाहे सरप्लस है, उसको कॉम्पनसेट कर दिया जाता है। कॉम्पनसेट हम कैसे करते हैं? हम अकोमोडेटिंग आइटम से उसको कॉम्पनसेट करते हैं। तो डेफिसिट इन करंट अकाउंट इज कॉम्पनसेटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है, अगर इसमें जो डेफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से उसको अकोमोडेट किया जाता है। और अगर सरप्लस है इन करंट अकाउंट इज ओवर आउटवेटेड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से उसको ठीक किया जाता है। लेकिन ऑपरेशनल सेंस में हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं भी हो। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम कैसे असेस किया जाता है? हम ऑपरेशनल सेंस में सिर्फ हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स के फ्लो को ही देखेंगे। तो अकोमोडेटिंग आइटम्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, उसी पर डिपेंड करता है ऑपरेशनल सेंस में कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इक्विलिब्रियम में है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि अब देखें, जैसे यहाँ पर हमने इसके जो इक्विलिब्रियम की बात की या जो हमारे इसके जो कॉम्पनसेट करने की बात की, तो एक एग्जाम्पल देखें, अगर इम्पोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है, यानी हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं रहा है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज हमें ज्यादा जरूरत है पेमेंट करने के लिए। तो क्या होगा? गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट के जो उधार हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के उधार बढ़ जाएंगे, डेप्ट क्रिएशन होगा, ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट से इसको अकोमोडेट किया जाएगा। अगर इम्पोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है तो गवर्नमेंट के जो उधार लेना है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये फिर से बैलेंस हो जाएगा अगर हम अकाउंटिंग सेंस की बात करें तो। ठीक है, अब अगर देखें ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व जो है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है, अगर जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में फायदा हो रहा है, तो जो ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि इनफ्लो ज्यादा है फॉरेन एक्सचेंज का, तो ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। और अगर डेफिसिट है तो ऑफिशियल एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे, क्योंकि जो रिजर्व रख रखा है ऑफिशियल एक्सचेंज का, उसमें से कुछ निकाल के हमको पे करना पड़ेगा अपने डेफिसिट को कम करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए इस बीच में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको आपको करेक्टली कौन सा मैच नहीं है, इसका आंसर देना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल। बाय।